An Academy. Let's crack it. The test of intention to contract is. देखो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत एसेंशियल चीज होती है इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, कि पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें उनकी इंटेंशन थी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में जाने की या नहीं। मैंने आपको कई बार ये एग्जांपल दिया है पिछली क्लासों में भी, कि अगर आपकी मम्मी आपसे बोलती है फर्स्ट आओगे तो बाइक दिलाएंगे, और आप फर्स्ट आ जाते हो और आपको फिर बाइक नहीं दिलाई जाती है, तो आप मम्मी को जाके सू नहीं कर सकते कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं किया, क्योंकि दैट वॉज नॉट अ इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे मिसिंग था। ये एक जनरल सी चीज है जो मैंने आपको समझाई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट को चेक करना है तो उसको आप ऑब्जेक्टिवली चेक करेंगे, सब्जेक्टिवली चेक करेंगे, डिपेंड्स ऑन केस करेंगे। तो सब्जेक्टिव और डिपेंड्स ऑन केस एक ही चीज होती है, हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या फर्क है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में समझना। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट का ये मतलब है कि कोई भी एक रीजनेबल इंसान उस ट्रांजेक्शन को देखे क्या बिलीव करेगा, दिस इज नोन एज एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट या डिपेंड ऑन द केस का मतलब है उस इंसान ने क्या सोचा, तो उस इंसान के आधार पर हम कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन नहीं डिसाइड करते हैं, हम एक रीजनेबल इंसान के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की इंटेंशन को डिसाइड करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। देखो क्या कहता है, द ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंसिडर्स व्हाट अ रीजनेबल मैन वुड हैव बिलीव्ड एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट वॉज बींग क्रिएटेड एंड नॉट व्हाट द पार्टी इज इंटेंडेड। ठीक है, ये वाला केस हमने किया था सिपकिंस वर्सेस पेज वाला, आप याद करिए, मैंने ये केस आपको कराया भी था कॉन्ट्रैक्ट में। क्या हुआ था इसमें कि एक मदर और एक डॉटर एक घर में रहती थी, उनके घर में एक पेइंग गेस्ट में एक लड़की रहती थी, इन तीनों ने मिलके एक क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व किया, और जब क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व किया और ये क्रॉसवर्ड पजल जीत गए, तो जो मदर थी उसने प्राइज मनी जो था उसको शेयर करने से मना कर दिया। तो उस केस में कोर्ट ने यही बोला कि इंटेंशन आपकी इंटेंशन पर डिपेंड नहीं है, एक रीजनेबल इंसान क्या सोचेगा। अगर तीन लोग मिलकर किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए काम कर रहे हैं तो एक बेसिक रीजनेबल इंसान यही सोचेगा कि अगर उस कंपटीशन में हम जीतते हैं तो हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज द लॉजिक दैट वाज गिवन, इट इज नॉट सब्जेक्टिव, इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। सब्जेक्टिव का मतलब हो जाएगा, सब्जेक्टिव का मतलब होता है वो पार्टी क्या खुद सोच रही थी, इंटेंशन ऑफ दैट स्पेसिफिक पार्टी। तो ये सब्जेक्टिव नहीं होता है।